मिट्टी मिट्टी बाता होती। निजामों का शहर हैदराबाद बोलते इसको। Assalamualaikum everyone, कैसे आप सब? मेरा नाम है जयमानी। Assalamualaikum दोस्तों, कैसे आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है इस्माइल कुरैशी। वेलकम टू आवर चैनल। सो व्यूअर्स, जिस वीडियो का था इंतजार वो घड़ी आ गई। मतलब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सॉरी यार, मतलब बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे यार आई लव माय इंडिया एपिसोड 8। इस रिएक्शन करें, सिटी ऑफ निजाम बिरयानी है, बड़ा कुछ लिखा हुआ है। हैदराबाद की बात कर रहे हैं, मतलब बात हम कर रहे हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद, यू नो, हैदराबाद मोस्ट फेवरेट है बहुत सारी चीजों के लिए। निजाम की बात करें, वहाँ के चार मीनार की बात करें, वहाँ की बिरयानी खाने पीने की बात करें, वहाँ की लैंग्वेज तेलुगु, स्पेशली उर्दू की बात करें। और मतलब तेलुगु उर्दू अलग अलग है, ठीक है? तो ये मत सोच लीजिएगा, व्यूअर्स अक्सर कभी सोच लेते हैं तेलुगु और एक एक नहीं है, अलग अलग है। तेलुगु स्पेशली बहुत अलग लैंग्वेज है और उर्दू जो हम बोल रहे हैं ये बहुत अलग है, ठीक है? मतलब जो अगर हम उर्दू की बात करें तो वो बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज का टच हिंदी में भी आता है, हिंदी का टच उर्दू में थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन प्रॉपर उर्दू कोई भी नहीं बोलता, जो नवाबों वाली ज़बान होती है। जी बिल्कुल। अरे कहना क्या चाहते हो? सो व्यूअर्स, पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। बोलने को निजामों का शहर बोलते इसको, सिटी ऑफ पर्ल्स भी बोलते इसको। बोलते कि इधर की बिरयानी के आगे बाकी सब बैंगन है। मीनारों में मीनार का शहर बोलते इसको। पता ही होगा ना मैं बोल रही किसको। एक ऐसा शहर जहाँ मिट्टी मिट्टी बाता होती। निजामों का शहर हैदराबाद बोलते इसको। Pochte hi, we checked into the hotel which was literally 3 kilometers away from the airport. Novotel mein enter karte hi, wahan ki interiors dekhte hi, kaafi acche se Hyderabad ke royal grandeur ka andaaza lag gaya tha. Singapore wale log hai bhai, Singapore jo hai na wo bhi kuch nahi hai Hyderabad ke aage. Good spread of food. Well, what else could I have asked for before starting my day in Hyderabad? मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आई और जाहिर सी बात है इस सिटी को 2 दिन में एक्सप्लोर करना इज अ टास्क। तो चलिए हैदराबाद की सैर करने। हैदराबाद को एक्सप्लोर करना 2 दिन में मुश्किल है। रमजान का महीना और हैदराबाद के चार मीनार की गलियाँ, ये सिर्फ एक लोकल्स के लिए ही नहीं पर दुनिया भर से आए हुए टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा नज़ारा है। वैसे नज़ारा आप लोग देखना, मैं तो यहाँ बिरयानी, हलीम, कबाब और बहुत कुछ खाने आई हूँ एट हैदराबाद इन चार मीनार। यह है हैदराबाद की शान। इसे 1591 में मोहम्मद कुतुब शाह ने बनवाया था, जिन्होंने मॉन्यूमेंट ही नहीं बल्कि एक मॉस्क भी है जो इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे 400 साल से है। लोकल टूरिस्ट को 50 रुपीज और फॉरेन टूरिस्ट को 300 रुपए की एंट्री फीस भरनी पड़ती है और तभी ही वो चार मीनार के हर कोने को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चार मीनार पे खड़े होकर जब पूरे हैदराबाद का नज़ारा देखो तो ये शहर किरक यानी बढ़िया लगता है। बहुत ऊपर चार मीनार से 3 मिनट की दूरी पर है हैदराबाद लाड बाजार। ये हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर मार्केट है फॉर बैंगल शॉपिंग और पिछले 10 सालों में यहाँ बैंगल बेचने वालों की संख्या 2000 से 15000 हो गई है। मैं तो यहाँ के अलग अलग रंगों को देखकर उनमें गुम हो गई। दैट आई कुडंट सी एनीथिंग अबव एंड बियॉन्ड दैट। इट फॉर्मड अ कलरफुल ग्लिटर कैनवस टू लुक एट। बट व्हेन यू कम हियर यू मस्ट बाय सम पर्ल ज्वेलरी फॉर श्योर। ये पल्स मैडम समुद्र से आता है, यहाँ पे जो होल पड़ता है पल्स के लिए यहाँ पे पड़ता है। ये हम खुद डालते हैं, हम खुद बनाते हैं पल्स के ऊपर। इसमें डिजाइन एड से हम खुद बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सिर्फ पर्ल्स ही नहीं, हैदराबाद इज नोन फॉर इट्स फोर्ट्स एंड पैलेसेस और ये है चौमाला पैलेस एंड इट इज सेड दैट द फैमिली ऑफ निजाम्स वुड स्टे हियर।
है, सेम इस तरह का लाहौर में भी है। There are a lot बच्चों की भी यार क्या लाइफ रही है यार। सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। And this place got its name because chow means four and mahal means palace. और इस महल में आपको निजामों के जमाने की बहुत सी एंटीक चीजें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ की खूबसूरत विंटेज कार्स, एंड आई विश इन्हें चलाने का मुझे मौका भी मिलता। 18 सेंचुरीज की आई थिंक कार्स हैं। इंडिया के हर नुक्कड़ में एक ऐसी चाय की दुकान होती है जो इस सिटी और इस सिटी के लोगों को पूरी तरह से ओन करती है। ठीक ऐसे ही एक शॉप है निम्रा कैफे। निम्रा कैफे 25 इयर्स से भी पुरानी जॉइंट है जो जानी जाती है अपनी ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट्स के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे इनके चाय का राज पूछ लूं। चाय पत्ता जो है ना उसका ब्लेंडिंग हम लोग खुद करते हैं, अच्छी हैवी क्वालिटी और मिल्क हैवी क्वालिटी का मिल्क, अच्छी क्वालिटी का मिल्क इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए वो सिस्टम जो है उसका ईरानी स्टाइल है, वो ईरानी चाय की तरह स्टाइल है यार, ईरानी स्टाइल है बनाने का स्टाइल। और उसकी प्यूरिटी जो है हम लोग खुद अपने अपनी लड़की में करके, ऐसे कितने रिश्ते आते हैं यार। चार बजे से लेकर रात 11 बजे तक इस कैफे में आने वाले इनके सैकड़ों फैंस की लाइन लगी। इनके बिस्किट उस तरह है, मुझे नहीं बल्कि कुंडे टाइप जो बनते हैं गोल गोल से मजे के होते हैं, उस तरह के बिस्किट बनाए हैं। मैं वो देख रहा था ईरानी चाय पीने वाले उस्मानिया बिस्किट, मैं वही देख रहा हूँ ना, क्योंकि ये बिस्किट पुराने जमाने के थे, कुंडे टाइप जो बनते हैं ना हमारे वो। पर टेंशन मत लीजिए क्योंकि चाय तो आपको मिल ही जाएगी। अरे अंग्रेजों किस काम पे लगा दिया हमें। अब तो मैंने आपको हैदराबाद का खूबसूरत नजारा दिखा दिया, चाय ने तो तबाह कर दिया लोगों को। मैं तो यहाँ बिरयानी, हलीम, कबाब और बहुत कुछ खाने आई हूँ एट हैदराबाद इन चार मीनार। तो चले हैदराबाद के पॉपुलर पिस्ता हाउस के हलीम को खाने। कैसे मुझे लग रहा यार। दिस इज पिस्ता हाउस फैक्ट्री इन हैदराबाद एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द फैक्ट्रीज, और इस फैक्ट्री में जस्ट दिस वन makes about 10,000 kilos of haleem which is spread across all over Hyderabad and around the world, and it's just one factory, there are four more like this. Kota lagane ka andaaz dekha hai, but a lot of spread, chhota sa hathora type banaya hai. I just got a bit carried away and thought I would also try my hand at pounding the meat. It's quite a workout, trust me. It almost feels like my upper arm now needs some rest. I wonder how these guys do it. Firstly, to be around this so much heat here. इसको भट्टी बोलते हैं, यहाँ से 8 से 10 भट्टी है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा गर्मी है and during Ramzan they're also fasting. अच्छा रमजान का महीना चल रहा है। Others, you know, and it's also you know the joy that they find in cooking haleem. I'm sure there's so much love that goes in here, which is why people love it so much. पिस्ता हाउस के साथ साथ और भी पॉपुलर जगहें हैं हलीम का स्वाद लेने के लिए, जैसे कि प्रिंस होटल, शाग हाउस, पर पिस्ता हाउस की जगह और कोई नहीं ले सकता। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी और हम भी डिनर करने के लिए हैदराबाद के एक पॉपुलर रेस्टोरेंट में गए। My stomach was craving for something different and a lot of masalas. This is perfect. Really, yaar, this is very perfect, yaar. What awesome taste hoga, yaar, iska. Absolutely delicious. Look at this. Bas kar, papi rulayegi kya? Bas kar. हैदराबाद सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं पर अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है, पर इन्होंने मुझे इतना कुछ खिला दिया है। अब बारी आई है मीठे की। क्या है ये डिश का नाम? ये
क्रीम है या खुबानी स्वीट यार, आलू बुखारे की चटनी और मैं खुबानी मिक्स हुई भी होती है, ये इधर पाकिस्तान में चलती है, ये बहुत बहुत टेस्ट है, ये बहुत पुराने लोग खाते हैं हमारे जैसे फैमिलीज के, जो हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं ना वो बहुत पुरानी ये वाली चीज खाते हैं बहुत पहले। While we also try popular dishes from every destination, it is important कि हम वहाँ की local dishes को भी try करें, क्योंकि हर शहर का असली फ्लेवर उसके local चीजों में ही आता है। हैदराबाद की टूरिस्टी जगहों के साथ साथ चार मीनार में बसे उस लोकल ईटरीज को रमजान के मौके पर ट्राई करने की जो फील्स है ना, वो मेरे अलावा शायद आपको हैदराबाद के लोग ही बता पाए। पर मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि जितनी रिच यहाँ की हिस्ट्री है उतना ही रिच यहाँ का खाना भी है, और हम तो है ही इन दोनों चीजों के दीवाने। एंड समवेयर बिटवीन चार मीनार एंड बिरयानी मुझे इस शहर से प्यार हो गया। एक दिन में इतना कुछ देख लिया, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, जहां मैं आपको घर बैठे बैठे हैदराबाद की टोली चौकी की गलियों में ले चलूंगी। यार मतलब मैं तो बहुत शौक हो गया, मुझे बहुत टाइम से ना व्यूअर्स कह रहे थे यार प्लीज ये आई लव माय इंडिया एपिसोड 8 पर लाजमी रिएक्ट करें, और वाकई मुझे आज ऐसा एहसास हुआ है कि मैंने बहुत देर कर दी इस वीडियो में यार, स्पेशली मतलब ऑसम वीडियो यार, इतनी जबरदस्त वीडियो बनी है। और दूसरी हम बात करें हैदराबाद की, तो यार मतलब हैदराबाद की तारीफ तो वर्ड्स में है ही नहीं ना भाई। हैदराबाद की खूबसूरती हैदराबाद की खूबसूरती हैदराबाद के जो ओल्ड निजाम नजर आ रहा है यहाँ पर, जो चीज एक नजर आ रही है, जो बादशाह ने बनाया था ये चार मीनार, और क्या आई थिंक 1591 में बना था, तो यार मतलब वो इतने बड़े मतलब मीनार इतने ऊंचे हैं, मैंने फर्स्ट टाइम देखे कि इतनी ऊंचाई पर है मतलब, और इतना बड़ा है, मैं समझ रहा था छोटे छोटे मीनार खड़े हुए हैं और इसके बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन बहुत बड़ा है अंदर से यार, लॉन टाइप बड़ा सा उन्होंने दिया हुआ है। और वैसे एक बात उन्होंने रखी है, जो फॉरेन आते हैं मतलब जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं ठीक है, उनके लिए 300 rupees का टिकट है, और जो लोकल के बंदे घूम फिर रहे हैं 30 आई थिंक लेकिन फिर भी यार ये वैसे गलत है, मतलब मैं जाऊंगा तो मैंने 300 देने पड़ेंगे यार। चलो कोई नहीं, मेरा कोई ना कोई व्यूअर्स दे देगा यार, चाहने वाले बहुत हैं। तो बात करें उसकी खाने पीने की, खाना पीना तो इतना जबरदस्त टेस्टी वो बता रही थी ना, ये हमारी देसी डिशेज है और बहुत जबरदस्त। लाट मार्केट जो थी उनकी वो बहुत जबरदस्त बता रहे थे ना, जहाँ पर बैगन वगैरह थे, पर्ल्स वगैरह जो जुड़े वो तो हमें बताओ। अच्छा तो वो मुश्किल होता है बहुत ज्यादा बनाना, क्या बनाते हैं बिल्कुल, इसकी वो बहुत फेमस है वो बाजार। और रही बात खाने की, तो खाने में तो बिल्कुल ही देख के पता लग रहा था क्या गरम गरम खाना, खाने की तो बात करें, खाना तो लोग तुम खाते नहीं हो लेकिन खाने के फेवरेट बहुत हो हैं। लेकिन देखिए थोड़ा, लेकिन यार मैं तुम्हें बताऊं जो अच्छा हलीम को जो होटल लग रहा था 10,000 kg मतलब 10,000 kg की वो एक वो सारी डेग्स बनती हैं ठीक है, मतलब 10 भट्टे थे 10 डेग थी, मतलब 1 डेग आई थिंक 100 kg की थी, और 10 kg यार तुम ये इमेजिन करो कि अगर रोज 10 kg की हलीम पक रही है, तो आई थिंक 10 kg की हलीम जो है वो सेल भी हो रही है यार, सेल भी हो रही है, और वो लोग आके दीवानों की तरफ खा भी नहीं। अच्छा यार नजर नहीं आ रहा था, चाय की तरफ आए तो बात ही ना करो, जो बड़े सगीर के लोग में जो अंग्रेजों ने हम पर ये चाय जैसी एक बहुत किस्म की डेंजरस चीज हमारे लोगों के रगों के अंदर डाल दी है ना, मैं कहता हूँ कोई फरिश्ता ही होगा जो आकर हमें इस मसले से निकालेगा यार, हमारे घर में भी, इवन तुम्हारे घर तो छोड़ो, हमारे घर की मैं बात करूँ ना, सुबह उनकी अगर कुछ है तो ठीक है, मतलब कुछ खाने पीने का है तो नहीं है तो चलेगा ठीक है, अगर है तो भी चलेगा, लेकिन अगर बैठी नहीं है मतलब चाय नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं है। लेकिन आप चाय की बात तो करें ना, इधर की चाय इतनी क्राउड में पीपल आए हुए थे और कितनी फेम थी इस चाय की, कितना एक लोग पावर थी इसका, क्रेज था, कितनी क्रेविंग थी यार चाय पीने की, चैप्टर ही अलग है। लेकिन यहाँ की चाय जो बता रहे हैं उसके लिए जो पीपल उस्मानिया बिस्किट और साथ उस्मानिया मेरे नाम के बिस्किट चल रहे, इनको अपने नाम के साथ अभी देखो इतना फेमस हो गया कि मेरे नाम के बिस्किट चल रहे हैं वो भी हैदराबाद, बहुत माशाल्लाह। बस उसका भी गुरूर नहीं किया, थैंक यू सो मच। वो ये कभी जाएंगे ना वहाँ पर कहेंगे उस्मानिया बिस्किट दें, ये ऑनर आ चुके हैं उस्मानिया बिस्किट के। जी तो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्री ऑफ कॉस्ट यार, इसका पार्ट 2 देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
नीचे कमेंट खाली है, जितना प्यार जितनी मोहब्बत देना चाहते हैं और जो कहना चाहते हैं कह दें इंशाल्लाह। इसका दूसरा पार्ट और जितने भी पार्ट्स के हैं वो भी इंशाल्लाह उसमें रिएक्शन करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हम दोनों को भी दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।